नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनोइड व्हील। तो व्हाट इज ए सोलेनोइड व्हील, क्या होता है? मैग्नेट सुना है कभी? Yes, क्या होती है? हाँ सुना सुना है हमने तो। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है इसका साउथ पोल। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और कैसे चलती हैं। अभी वो चलती हैं नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, सही है, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तरीका रिप्रेजेंट करने का, भाई फील्ड को दिखाने का तरीका ये। तो इस कंडीशंस में आपको कहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है भाई? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रहा है भाई? हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस भी। तो पैरेलल लाइंस कहाँ मिल रही हैं? इनसाइड द मैग्नेट्स भी, इनसाइड द मैग्नेट। क्या आप मैग्नेट के अंदर का फील्ड यूज कर सकते हो भी? अगर मेरे को यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, यूज नहीं हो सकता अभी। बार बार तो क्या है सर, नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। यस सर ना, मैग्नेट के अंदर हम घुस नहीं सकते। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक डिवाइस तैयार किया गया जहाँ पे मेरे को यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो हम क्या बना सकते हैं, उसको यूनिफॉर्म बना लें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी, नॉट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स भी। नाम क्या इस डिवाइस का? सोलेनोइड, विच प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही है, लिख लीजिए। और भी बहुत से यूज हैं इसके वैसे तो। तो लिख लीजिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म, यूज्ड फॉर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है अभी। इसमें होता क्या देखिएगा, इसके अंदर देखिए ये अरेंजमेंट होता है अभी, एक होलो पाइप होता है अभी जो किसका बना होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिन पे मैग्नेटिक इफेक्ट ना पड़े, जिनके ऊपर भी आयरन कोबाल्ट निकल का नहीं होना चाहिए भी। कोशिश ये कहती है मेटल्स का ही ना हो, मेटल्स पे पड़ता है, हर मेटल पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है या फिर कार्डबोर्ड का बना होता है, गत्ते का बनाया जाता है। कर लोगे, एक होलो पाइप है जो कि इंसुलेटेड किसी का हो सकता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का, प्लास्टिक का बोल लीजिएगा, और उसके ऊपर हम लोगों ने तार को लपेटा हुआ है, कॉपर के वायर लपेटे हुए हैं, इसको बोलते हैं वाउंडेड कॉपर वायर लपेटे गए हैं ऐसे भी, और उससे करंट फ्लो करवाएंगे। समझ में आई बात है? एक होलो सिलेंडर है, उस पर कॉपर वायर लपेट रखे हैं ऐसे। कौन से कॉपर वायर है? इंसुलेटेड कॉपर वायर भी, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उनके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, इसलिए ये आपके वायर जायरिंग के ऊपर रबड़ लगा हुआ है कि बाहर करंट ना चला जाए उसका भी, इसलिए ऊपर के लगा कर उनके ऊपर इंसुलेशन। आप बाजार से जब भी लेने चले जाओ, कॉपर वायर लेने जाओ बाजार से, इसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन लगा होता है हर कॉपर वायर के ऊपर। आपको डायरेक्ट करंट नहीं फॉलो करवाना, आपको करंट को घुमाना है भी, नहीं तो क्या होता, डायरेक्ट करंट फॉलो कर जाएगा सीधा सा, यहाँ से आप पहुँच जाएगा करंट, ठीक है। करंट को क्या करना है, घुमाना। पंखा है आपने, पंखे में जो वायर लगे होते हैं अभी, आप बोलते हैं मेरा पंखा जल गया अभी, खोल दें कोई वायर नहीं जला मिलेगा आपको, यहाँ से सारे वायर ऐसे ही मिलेंगे एज इट इज़। जला क्या है, इंसुलेशन जल गया उनका भी, आपस में वायर क्या कर गए, टच कर गए डायरेक्ट भी, करंट डायरेक्ट फ्लो कर गया, नया कि करंट घूमता हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं कि पंखा क्या हो गया आपका, जल गया अभी। कोई मोटर कोई पंखा जब भी अब जलता है, मतलब क्या होता है, उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाता है ऊपर से, हर कॉपर वायर पे क्या लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है जो बाज़ार से लेते हैं इन चीज़ों के लिए, मोटर बांधने के लिए, पंखा ठीक करने के लिए, तो वही वायर लगा रखे हम लोगों ने यहाँ पर, दे आर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स में, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, करंट फ्लो करवा दिया। अब ये मान लेते ये आपका होलो सिलेंडर है अभी, इसमें मैंने ऐसे टर्न लगा रखे हैं, समझ में आया, ऐसे लपेटोगे ऐसे लपेटो, मर्जी तुम्हारी कैसे लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लपेट रखे मैंने भाई, और करंट फ्लो कर रहा है, करंट भी ऐसे फ्लो करेगा। यस सर नो,
तो आपके लिए ये फेस क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में है, देख लो, इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पोल किस तरह बिहेव करना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरह, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेज रूल। भी पाइप मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, कैसे था, ऐसे या ऐसे, आपने वायर ऐसे लपेट रखे हैं इसके, तो आपके लिए एंटी, मेरे लिए इस तरह से देख रहा हूँ क्लॉक वाइज। तो उसका एक पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, एक क्या बनेगा, साउथ पोल, पक्की बात है। इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी, एक पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, एक क्या बनेगा, साउथ पोल। अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगे इसकी भी, लाइन क्या चलेंगी, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, यस सर नो, और इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। तो आपको यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ मिल रहा है, फॉलो पाइप है भाई, इसके अंदर हम यूज कर, ये फील्ड को यूज कर सकते हैं, अंदर वाले फील्ड को, ये काम मैग्नेट में नहीं किया जा सकता, वो तो सॉलिड होती है अंदर से, ये होलो है, जिसका भी यूज़ करना है अंदर यूज़ कर लो, अंदर क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। एनी प्रॉब्लम क्लास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लिखो वे, लिखिए, ए सोलेनोइड हैव, ए सोलेनोइड हैव ए होलो सिलेंडर, ए सोलेनोइड हैव ए होलो सिलेंडर made by non-magnetic material. A solenoid have hollow cylinder made by non-magnetic material. किसे बना होता है ये, non-magnetic material, लोहा, कॉपर, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकल को छोड़ के भी कुछ भी हो सकता है, कर लोगे, made by non-magnetic materials भी, having, ऐसे लिखिए, ऑन विच लिखिएगा, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंडेड, भी कर लोगे, हो जाएगा, यस आर नो, व्हेन करंट पास थ्रू द वायर वन एंड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, and other end behave like south pole. ये पक्की है, कोई नहीं, कोई तो बनेगा भाई, एक तरफ नॉर्थ बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा, साउथ हो जाएगा ना। एंड वी ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, we obtained uniform magnetic field inside the solenoid bhi, we obtained uniform magnetic field inside the solenoid bhi, yes or no, kar paoge, aise gaya to ye aise upar bhi ulta bhi aayega, ek wire aise gaya, ye gaya na, to iska ek turn ye bhi aayega, ek niche bhi aayega, सेम करंट फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन उल्टी हैं, नेट मैग्नेट फील्ड कितना हो जाएगा इनका, जीरो, यस आर नो, समझ में आया, इसका फील्ड इसके फील्ड को कैंसिल कर देगा भाई, बार वाला कंडीशंस के साथ, कर पाओगे, यस आर नो, लिख लीजिएगा, कंडीशन वही लिखवाऊंगा जो हैं, अंदर वाली ये टर्म बचेंगी, सर्कल वाली सिर्फ, अंदर सर ये बचेगा भाई, कि अगर ये अगला देखें तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक है। अब टर्न्स क्या है, एक एक देखें ना, क्या बनेगा, सर्कल्स बनने हैं वाले, लेकिन एक एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, बाहर वाले तो ऐसा लगा कि लाइन्स आ रही हैं ऐसे उठ के, ठीक है, यानी ये वाला फील्ड क्या करेगा, इस फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो बार फील्ड नहीं होना चाहिए एक आइडियल कंडीशंस के अंदर, सोलेनोइड के, तो लिख लीजिएगा,
field outside the solenoid is zero wave. Field outside the solenoid is zero. सही है कि नहीं है? कर पाओगे? अब क्वेश्चन ये है, जब अंदर यूनिफॉर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा भाई? अभी इसका वैल्यू भी निकालेंगे. रब कर दे इसको भी. वही हॉलो पाइप है मेरे पास. ओके बातें नहीं. यहाँ पे देखो भाई, इस पर ट्रंस लगा रखी मैंने भी. ऐसे ट्रंस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपकी बात. ये वाला गायब कर दिया मैंने बीच वाले. सुन मेरा टॉपिक क्या है? वही है बस मिटे दिए. ट्रांस अभी भी हैं. कर लोगे? हमें वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड भी, तो लूप तो बनाना पड़ेगा भाई. लूप बना ले. लूप पक्का है? कोई तो डायरेक्शन हो सकती है फील्ड की, कैसे तो होएगी. तो क्योंकि मेरे को सारा निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे भी निकालना, सब कुछ चेक कर लेते हैं सारी जगह पे. तो मैं लूप ये बना लेता हूँ. वी हैव ए रेक्टेंगुलर लूप. हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप है अभी. यस और नो? अब बोलो ऐसा क्यों बनाया? एम डायरेक्शन क्या फील्ड की इस पर? ऐसे है या ऐसे है? तो डायरेक्शन यही तो है लूप की डायरेक्शन. नहीं समझ में आई बात तुम लोगों को? यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनेगा? या तो ऐसे आएगा लाइन, या ऐसे आई. अकेला बनाऊँ क्या? बनेगी लाइन तो बनेगी. एक सर्कल बनेगा क्या? लाइन ही बननी है, स्ट्रेट लाइन बननी है. ये सर नो. मैं सर लोग किस में दिखा दिया? इंटरम ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म भी. तो ए बी सी डी ये क्या है? कि मैग्नेटिक लूप है. चेक करें कहाँ पर फील्ड है, ये देखना मेरे को वैल्यू. सिर्फ हो जाएगा भी, क्योंकि जो एम्प्रेसर लगाऊंगा वो किसके लिए लगेगा? हमेशा लूप के लिए लगता है एम्प्रेसर. अभी डायग्राम बनाओ भी. लिख लीजिए, लेट ए बी सी डी इज द मैग्नेटिक लूप भी. लेट ए बी सी डी इज द मैग्नेटिक लूप. कुछ और टर्म भी ले लेता हूँ मैं. लेट एन क्या है भाई? ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और ये मान लेते हैं कि जो हमने लूप बनाया है उसकी लेंथ कुछ ना कुछ यू तो ही लेंगे हम लोग. तो ए बी बराबर है सी डी. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू एल ए. लू कोई तो लेंथ होगी, स्क्वेयर बना लेते हैं. राइट लेते अब क्या बना लिया? स्क्वेयर बना लिया मैंने. समझ में आई बातें? यस आर नो? और एल क्या भाई? लेंथ ऑफ सोलेनोइड भी. लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड. दो लेल आ गई यहाँ पे. एक तो एल जिस जितना पोर्शन यूज किया जा रहा है उसका, एक पूरी लेंथ भाई. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? एल भी. कर लोगे? और ये कितनी है? ये स्मॉल एल. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसके भी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी, चलो ये बाद में लेंगे अभी लेके. हो गया था ना अभी? लिखो अकॉर्डिंग टू, लिखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ. क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. यस आर नो? यस आर नो? किस लूप के लिए कर रहे हैं? ए बी सी डी ए कंप्लीट क्लोज लूप भी. फॉर द लूप ए बी सी डी ए. इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं अभी. दिस फर्स्ट इक्वेशंस. ये करंट आई क्या बताऊंगा अभी आपको. आई क्या होता है याद है? टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट पाथ भी. सही है कि नहीं है? ये इसको पूरा लिखना, लिख दो क्या ये टोटल करंट भी. सही है कि नहीं है? तो यूज़ करना है उस पॉइंट को. देखिए इतना हो गया. अब आपको हर एक का निकालना पड़ेगा भाई. कैसे? चार, इसमें चार सेक्शन बन रहे हैं अभी क्लास. अब ए से बी जा रहे हैं क्या आंसर आएगा? बी से सी जा रहे हैं क्या आंसर आएगा? सी से डी जा रहे हैं तो क्या आएगा? डी से ये क्या आएगा? ये चेक करना आपको. तो इसकी चार भाग बन रहे हैं इस पॉइंट के भी. इसको पहले इसको लेकर चलेंगे, फिर इसको लेकर चलेंगे.
ओके, तो रब कर दें इसको भी, हो गया इतना। अब देखिए मैं ले रहा हूँ लूप, किस लूप को ले रहा हूँ, कंप्लीट लूप को भाई। कौन सा लूप है? ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल, ये चार भागों में लूप बटा गया अभी। कौन से भाग हैं? ए बी वाला, बी डॉट डी एल प्लस बी सी, बी डॉट डी एल प्लस सी डी, बी डॉट डी एल प्लस डी ए, बी डॉट ए डी एल। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? अब क्वेश्चन बताइए मेरे को, ए बी, ए बी में कितना वैल्यू होगा बी डॉट डी एल का भी? अगर इसका एलिमेंट लोगे डी एल और बी में डायरेक्शन क्या होगी, एंगल कितना होगा? बी डॉट डी एल फॉर ए बी इज इक्वल टू कितना भी? ये तो बी डायरेक्शन है भाई, यह है, ये है और ये इसका लेंथ है। कितना एंगल बन रहा है? 90। और कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है। यस और नो? इसका आंसर तो क्या हो गया? जीरो। सेम इसका भी होगा, तो मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी एल फॉर सी डी वी इज ऑल्सो जीरो। दोनों आंसर क्या हो गए? जीरो। क्यों? रीजन लिखिए साइड में, यहाँ पे भी देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री आएगा ना, बी डी एल कोस 90। कोस 90 क्या होगा? जीरो इंटू समथिंग, जीरो। समझ में आई बातें? यस सर नो? कर पाओगे? दो टर्म हो गए सीधी सी। अब देखिए अभी हमें निकालना है इन द लूप ए बी, बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी होगी लूप ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ये भी तो हो गया ए डी बी। ए डी में देख लो भाई, ए डी में कितना होगा? अब ए डी तो क्या है, डायरेक्शन में भी आ रहा है भाई, या तो ऐसा हो सकता है अपोजिट में, या सीधी डायरेक्शन हो सकता है। अगर सेम होगा तो कोस जीरो हो जाएगा, वन होता है, उल्टा होगा तो कोस माइनस वन हो जाएगा भैया, वैल्यू तो आएगी। यस आर नो? आएगी नहीं आएगी? इसका भी आंसर कितना होगा? जीरो, क्योंकि बार फील्ड होता ही नहीं है। समझ में आया? फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने लूप हो गए तैयार मेरे? तीन तो हो गए, बच गया कौन? इसका रब कर दें, हो गया ना। ये क्या बचा हुआ है? बचा बताइए, बचा हुआ है बी सी, बी डॉट डी एल। अब इसको पूरा लिख दो भाई, कैसे लिखोगे? बी सी बी डी एल कोस जीरो, कोस जीरो क्या होगा? वन। यस सर ना? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी को बाहर निकाला, ये वन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एल, डी एल का स्मॉल एलिमेंट, माइनस वन का फर्क पड़ेगा, ओनली डायरेक्शंस का फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे हो या ऐसे हो, जीरो या 180 हो, वन आएगा, एक प्लस का एक माइनस का भी, ये फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ फर्क पड़ेगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो बी सी का वर्ड डी एल क्या था? क्लस स्मॉल एलिमेंट था बी सी का, तो पूरा लेंथ कितना है इसका? कितना एल? स्मॉल एल। ये ऐसा करो, कैपिटल एल ले लो, बुक पूरा कैपिटल एल लेके चल रहा है इसको, रब कर दे, कितना आएगा? बी एल। ये काट दो भाई, ये एल ये नहीं है, ये है भाई, अच्छा रहेगा लिया इसका यूज़, इसका यूज़, इसको तो यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, उसको काट दो फिर, बोल दे रहा हूँ उस पॉइंट को काट दीजिएगा। व्हाट इज एल? कैपिटल एल लेंथ ऑफ दिस आर्म भाई, कौन सी? बी सी। बार बार स्मॉल एल लिखेंगे, कैपिटल डैग एक ही ले लेता हूँ, कैपिटल एल भाई, लेंथ बहुत बड़ी है सोलेनोइड की, उसका यूज़ नहीं कर रहा मैं। यस आर नो? व्हाट इज कैपिटल एल? लेंथ ऑफ द लूप भी, लेंथ ऑफ द लूप नॉट सोलेनोइड भाई। कर लोगे? तो आंसर क्या आया? बी एल। मतलब क्या भाई, मेरा आंसर क्या आया? ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट भाई? ये जीरो हो गया, हुआ ये वाला अभी आ रहा है, ये वाला
जीरो, ये वाला जीरो, कितना आंसर बचा? बी एल। समझ में आई बात है? इस पूरे लूप का कितना आंसर आ रहा है? बी एल। एनी प्रॉब्लम क्लास? फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट पूरा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो ली है, अब क्या पढ़ेंगे उसकी राइट हैंड साइड क्या थी? इतना हो गया भाई, हो गया। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, ए बी सी डी ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या था? टोटल करंट भाई। अब आपको निकालना है कि टोटल करंट कितना भाई, यस सर नो क्लास। अब ये देखिए, दिस इज सोलेनोइड भाई, एक टर्न लगाया, कितना करंट है? आई, अगले में आई, अगले में आई, अगले में आई, तो कितने आई हो गए? हर बार आई बढ़ रहा है भाई, ये बोलना पड़ेगा मेरे को। इमेजिन कर पा रहे हो? ये इज ए लाइक बी लाइक ए सर्कल भाई, मेरे पास उस तरह की रिंग है सारी इकट्ठी कर रखी मैंने, हर एक में करंट आई है भाई, तो टोटल करंट कितना हो गया? यूज़ करना पड़ेगा आपको उसका। एक में कितना करंट है क्लास? एक में कितना है? इसका कितना आंसर हो गया था? बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक में करंट है आई, और कितने टर्न्स हैं? कौन से एन, छोटे की बड़े? स्मॉल एन। किस में से, किस लेंथ में से? वन यूनिट लेंथ या ये लेंथ? इसमें कितना है लोग, तो यहाँ पे बन रहा है ना ये, कितने टर्न्स हैं इसमें, कितने टर्न्स हैं इसमें, इस टोटल में एन एल कितने टर्न्स हैं? एन एल, हर एक में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। टोटल करंट कितना हो गया? एन एल आई। समझ में आया कि नहीं आया अभी? थोड़ा टॉपिक घुमाया हुआ है टॉपिक, ये लेंथ है, इसमें लूप बनाना है, ये लूप की बात कर रहा हूँ मैं, इस लूप का लेंथ कितना है? एल है भाई। कितने टर्न्स होंगे इस लूप के अंदर टोटल मिला के? एन इन टू एल, एक में कितने हैं? स्मॉल एन है, गुणा में एल, और कितना करंट फ्लो कर रहा है हर एक में? आई कर रहा है, तो कैसा लिखोगे? एन आई एल। समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये आई नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये टोटल करंट है एक्चुअल में, और ये होती है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, टोटल करंट इनक्लोज्ड इन दैट पाथ, क्योंकि अब तक मैंने यूज नहीं किया उस चीज़ को, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने किए हुए हैं अब तक ने किए हैं एम्पियर्स लॉ के, अगर बोल दो इट इज़ फॉर एंट्रेंस, क्या करोगे आप लोग उसके लिए? गुणा में एन और कर दोगे, हर एक में ये काम होगा, यस सर नो, तो क्या करोगे गुणा में? एन और कर दोगे, अब इसकी गुणा में कर पाओगे? तो अकेले एक लाइन लिखा के लिखोगे, लूप तो क्लोज होता है ना भाई, लूप उसको फायदा क्या फिर बताने के लिए? ऊपर वाला जीरो भी होता है, लूप तो सारे में आएगा, ठीक है। तो कितना वैल्यू आएगा? एल से एल काट दें, तोड़ दे वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट एन आई वी, दिस इज द आंसर। कितना वैल्यू है? म्यू नॉट एन आई। ओके, थोड़ा और चेंज करते हैं इसमें, इतना हो गया अभी क्लास। मान लेता हूँ भी, क्या मान लेते हैं कि कैपिटल एन जो है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है भी पूरे सोलेनोइड में, ये तो इस लेंथ पे थे, स्मॉल एन तक क्या था? पर यूनिट लेंथ पे था भाई, यस और नो? अब पूरे पे निकाले तो टोटल एन हो गए, कैसे लिखोगे कैपिटल एन को आप लोग? एक में कितने हैं? एन, और इस पूरे लूप में कितने हैं? ये लिखना पड़ेगा मेरे को, यस और नो? अब ये लूप इतना मान लेते हैं कि पूरा ही बड़ा है, इसके बराबर हो गया मान लेते हैं, वैल्यू तो हर जगह पे बराबर होगी इसकी, भी यूनिफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो लूप को बराबर मान लेते हैं, किसकी लेंथ के? सोलेनोइड की लेंथ के बराबर मान लीजिए, कितना हो गया? एन बराबर है एन एल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन भी? एन बाई एल, एन बाई एल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? म्यू नॉट एन आई बाई एल। इस एन में और इस एन में फर्क क्या है? ये पर यूनिट लेंथ के लिए है और ये टोटल टर्न्स के लिए है भी, आपको एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है भी।
देखिए पहले क्या किया, आप लोगों ने पाइप लिया, पाइप पे वायर वाउंड कर दिए, क्या बन गया? अब उस पाइप को तुम्हें दम हो गया ना, मोड़ के रिंग बना दो। समझ में आया कि नहीं आया? उसी पाइप की मोड़ के क्या बना दो? रिंग। इट इज टोरॉइड भी। तो क्या हो जाएगा? टोरॉइड हो जाएगा भी। ओके, तो क्या हुआ लिख लीजिएगा। इट इज़ द होलो रिंग, इट इज़ द होलो रिंग मेड बाई नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल। इट इज़ द होलो रिंग मेड बाई नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल हैविंग ऑन विच, लिखिए ऑन विच कॉपर वायर आर वाउंडेड। ऑन विच कॉपर वायर आर वाउंडेड, कौन सी वायर है ये? इंसुलेटेड कॉपर वायर है भाई, पक्की है। तो ऑन विच कॉपर वायर आर ए वाउंडेड, तो क्या से है अरेंजमेंट? देखिए ये है भाई, एक रिंग बनाना है जो अंदर से खाली हो भाई। पाइप को मोड़ दो, रिंग ही तो बनेगी आखिरी में, यस और नो? और इस पे आप लोगों ने क्या कर रखे हैं? वायर लपेट रखी है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑन विच कॉपर वायर आर ए वाउंडेड, दिस इज टोरॉइड भी बनाओ। देखिए अभी क्लास, इसमें भी क्या बनेगा? यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? इसके अंदर बनेगा सिर्फ, पाइप ही तो है, इसको ऐसे मोड़ा गया है। एक क्वेश्चन किया जाता है अभी आपसे सिंपल्स वाइवा के अंदर भी, क्या ऐसी मैग्नेट पॉसिबल है इसके पोल नहीं होते भी? क्या ऐसी मैग्नेट पॉसिबल है जिसके पोल नहीं होते भी? हाँ बोलो, ऐसे मैं तो छुने कौन रख क्या, यही होती है अभी। टोरॉइड इज दैट मैग्नेट विच डज नॉट हैव पोल भी। क्या इसमें नॉर्थ साउथ पोल दिख रहे हैं आपको भी? फिर भी लाइन्स क्या होंगी, चल रही होंगी ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अकेली मैग्नेट ऐसी है जो क्या है, इसके पास क्या है? पोल नहीं है भी। अब बोलोगे फील्ड लाइन्स कैसे चलती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, जब लूप बना दिया गया है। अब ये लूप ऐसा चल रहा है फील्ड लाइन्स का, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ और कहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे साउथ भाई? लूप का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता अभी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी मैग्नेट है जिसके पोल नहीं होते, कौन सी मैग्नेट है वो? टोरॉइड भी। कर पाओगे? अब क्वेश्चन वही है भाई क्लास, इसका फील्ड का वैल्यू कितना है भाई? हो गया, डायग्राम बना चुके हो। अब इसका वैल्यू निकालते हैं कि फील्ड का वैल्यू कितना है। देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास वही एक रिंग है भाई, एक रिंग स्ट्रक्चर है जिस पे कॉपर वायर लपेटे हुए हम लोगों ने। क्वेश्चन ही है भाई, लूप कैसा बनेगा? क्योंकि हम तो एम्पर्सला पे लूप की कंडीशन पे आता सारा काम भी, लूप कहाँ से बनेगा और कहाँ कहाँ पे निकालना है फील्ड आपको? ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं भी। क्या इसका सेंटर पॉइंट? ओ, आपको तीन जगह पे निकालना है फील्ड की वैल्यू भी, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। समझ में आई बात है? पॉइंट सी या पी जो हमने यूज़ किया हुआ, ये पॉइंट है वो। तीन कंडीशन हो सकती हैं, अगर इस पे निकालते हो तो लूप ये बनना चाहिए, यस सर ना? इस पे निकालते हो तो लूप ये बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? और इस पे निकालते तो लूप ये बनना चाहिए। एनी प्रॉब्लम क्लास? तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आर वन ले लूँगी फर्स्ट लूप के लिए, फर्स्ट लूप। ये सेकेंड लूप है, ये कौन सा है? थर्ड लूप। ये डिस्टेंस आर टू फ्रॉम सेकेंड लूप, और ये वाली डिस्टेंस फोर थर्ड लूप, ये सर ना? डायग्राम लिखो, फोर लूप फर्स्ट भी, फोर लूप फर्स्ट, फर्स्ट लूप के लिए कर रहा हूँ इसको। L1 मान लो लूप L फर्स्ट के लिए, लूप फर्स्ट L1 भी, L1 लो पर लेंथ दिख, फोर लूप फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट लूप के लिए भी। अगर एम्प्रेस ला अप्लाई करते हो फॉर फर्स्ट लूप, क्या आंसर आएगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यस और नो? रूल तो यही है,
किसके लिए कर रहे हैं? फर्स्ट के लिए कर रहे हैं अभी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर फर्स्ट वे? लूप एल वन ले लें, एल वन फॉर लूप फर्स्ट के लिए भी ले दो यहाँ पे, कर लिखवाओगे मेरे को आखिरी में, फॉर लूप एल वन वे कर लोगे। तो बताइए मेरे को लूप फर्स्ट में कितना करंट इनक्लोज है अभी, लिखना पड़ेगा मेरे को मिनोट आई, कितना करंट इनक्लोज है अभी? करंट वहाँ पे तो है ही नहीं, कितना वैल्यू? जीरो। यस और नो? ये आंसर जीरो हो जाएगा। बी डॉट डी एल का आंसर जीरो आ रहा है, इन इन इनमें से कोई एक चीज़ जीरो होनी चाहिए अभी। डी एल जीरो हो नहीं सकता क्योंकि लूप मान रखा हम लोगों ने, लेंथ होगा उसको कुछ ना कुछ। एंगल सर्कल के अंदर बी और डी एल में सेम एंगल बनता है भाई, ये सर ना? अरे बता दो, ये बी था ये ही डी एल था, हर कंडीशन में ये आया था आंसर से। तो एंगल कितना? कॉस 01 होता है तो भी जीरो नहीं हो सकता, बच गया कौन? तो बी जीरो होना चाहिए, 90 डिग्री बोल रहे हैं। बी वन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तीन ही चीज़ें इसमें, बी वन डी एल कॉस जीरो, कॉस थीटा, डी एल जीरो है नहीं, कॉस थीटा का आंसर जीरो बन नहीं रहा, बच गया कौन? तो बी जीरो होना चाहिए। तो फील्ड इसमें कितना होगा? जीरो, प्रो हो गया भाई फर्स्ट लूप के लिए। एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे? सेकंड भाई, फोर लूप एल थ्री, पर एल थ्री ले लेता हूँ, एल टू को बाद में देखेंगे, पता उसी में आंसर आना है मेरा, तो भले उनको पूरा गलत प्रूव कर दें दोनों को जीरो। एल टू में देखो भाई आंसर क्या आएगा, बी थ्री ले लूँ डॉट डी एल इज इक्वल टू, कितना करंट है भाई? करंट तो उसमें भी नहीं है, फोर लूप एल थ्री वो तो बाहर है भाई। यस सर ना? कर पाओगे? कितना आंसर? अगेन बी थ्री इक्वल टू कितना भाई? जीरो। दो गए, यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे फील्ड नहीं है, बच गया कौन? बी टू वाला भी, फोर लूप एल टू भी, फोर लूप एल टू, एल टू के लिए करते हैं, एल टू के लिए लिख रहा हूँ, बी टू डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, करंट है इसमें भी? इसमें कहाँ करंट है? इसके ऊपर वायर लपेटी हुई है, अंदर का लूप है ये वायर को अंदर का लूप बन रहे हैं हम लोग, देख नहीं रहा करंट, नहीं समझ में आया तुम लोगों को क्या हो रहा है अभी? एक पाइप है अभी रिंग्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में भी, उस पर वायर लपेट रहे हैं, अब उसके वायरों के बीच का निकाल रहे हो आंसर्स में, उस पर तो करंट इंक्लोज हो रहा है अभी। यस सर नो? नहीं समझ में आया? तो कितना करंट इंक्लोज हो रहा है अभी, टोटल करंट कैसे निकालोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? टोटल करंट। क्वेश्चन ये है भाई क्लास, लूप जो है ये L2 लूप है, इसका लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ L2 2πr2 सर्कमफेरेंस, और n क्या मान लेता हूँ? टोटल या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 2πr2 सही है? यस आर नो? तो टोटल टर्न्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखोगे? 2πr2 इंटू एन भी। यस आर नो? 2πr2 इंटू एन, और हर टर्न में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, तो पूरा करंट कितना हो गया अभी? लिख दूँ यहाँ पर डायरेक्ट भी, तो कैसे लिखोगे? फॉर लूप एल टू बी टू डी एल कॉस जीरो लिख सकता हूँ, ये बात सही है कि नहीं है? इज इक्वल टू म्यू नोट, कितने टर्न्स हैं भाई? 2πr2n, कितना करंट फ्लो कर रहा है हर में से? आई भी। यस भाई, एनी प्रॉब्लम क्लास? वही टॉपिक दोबारा से किया जा रहा है, अलग फॉर्मेट में भी हो जाएगा, सोल्व करो अभी क्लास, इसको रब कर दें ये वाला।
बी टू को बाहर निकालिए, कॉस 01 हो गया, इंटीग्रेशन डी एल वी लिखूं, म्यू नोट 2 पाई आर टू एन आई, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लूप एल टू, पूरा जोड़ोगे तो पूरा लूप ही बनेगा, कितना लूप लेंथ का लूप है, 2 पाई आर टू इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई आर टू एन आई, 2 पाई आर टू से 2 पाई आर टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट एन आई, सेम टॉपिक सेम फार्मूला सब कुछ सेम, समझ में आया कि नहीं आया।